हाँ गांव में को बोलता था कि लड़की जा था तो बॉल खेलने दे रही है, बोलते थे कि छोटा छोटा उन लोग कपड़ा से पहन के उन लोग खेलती है, लड़की जा था और बुरा नज़र से को देखे। तो जब हम लोगों ने लड़कियों के पेरेंट्स के साथ बात करना शुरू किया तो शुरुआत में काफ़ी चुनौतियाँ आ रही थी। लड़कियों के पेरेंट्स बोल रहे थे क्या होगा, लड़कियाँ खेलेंगी तो क्या कर सकती हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी बात किया और यहाँ पे जब हम देखते थे कि जेंडर नॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो सारी चीज़ें हावी थी। और हम लोगों ने ये देखा कि धीरे धीरे बात करने से लड़कियों के अंदर एक स्किल भी पैदा हुआ कि ताकि वो अपने घर में नेगोशिएट कर सके अपने पेरेंट्स के साथ, उनको कन्विंस करे। और वो तभी हुआ जिस तरह से हम लोग मीटिंग और ट्रेनिंग साथ में उनके साथ करने लगे, कम्युनिटी के साथ भी और महिलाओं के साथ भी। तो उसका इम्पैक्ट अब जाकर दिखता है कि जो लड़कियाँ हैं वो अपने पेरेंट्स से तो बात तो कर ही रही हैं और खेल भी रही हैं। अब ब्रेक थ्रू से शिक्षा मिलने लगा ये कि हाँ ये लड़की लोग के अधिकार मिलना चाहिए। पहले तो हमें जब हम खेलने आते थे ग्राउंड तो मम्मी पापा बोलते थे क्या कर लोगे खेल के, बेटी हो घर में काम करो, तो क्यों जाती थी। बगल के जो है होते हैं वो लोग हम लोग को बोलते थे कि उसकी बेटी फुटबॉल खेलती है क्या करेगी, अब ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है। जब मैं भैया लोग को देखती थी कि वो लोग फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो हम लोग का मेरा भी मन होता था कि हम भी फुटबॉल मैच खेलें, बट ऐसा ऑप्शन आया भैया लोग हम लोग को भी मौका दिए कि तुम लोग भी खेलो। इन लोग के अंदर पहले से ही इतना उत्साह और कॉन्फिडेंस था कि हम लोग भी खेल सकते थे। भले शुरू शुरू इन लोग को खेलने में उस तरह का नॉलेज नहीं था कि इस तरह से फुटबॉल खेला जाता है, किस तरह से सारा चीज़ स्किल पता नहीं था, पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सारे मेरे जितने टीम के लड़के थे थोड़ा बहुत करके सबको सहयोग किया और आज इन लोग बहुत अच्छा खेल रही है। जो बोलती थी कि नहीं खेलना चाहिए उन्हीं लोग आप बोलती कि नहीं ठीक खेलना अच्छा है, तो हम लोग के भी यार अच्छा हिम्मत हुआ कि नहीं हम भी ठीक हैं। ब्रेक थ्रू से जब दीदी लोग आती थी तो हम लोग पेरेंट्स लोग पहले बहुत कुछ मीटिंग में भी बैठने का जो होता है वो मीटिंग में भी बैठने नहीं दिया जाता था कि तुम लोग क्या फालतू चीज़ों में इन सब चीज़ों में तुम लोग ध्यान दे रही, कुछ पढ़ो लिखो कुछ करो तुम लोग। तो दीदी लोग फिर जब ब्रेक थ्रू से आती थी वो लोग मम्मी लोग के साथ भी महिला लोग के साथ भी मीटिंग करने लगी और महिला लोग को भी समझाए कि लड़की और लड़का में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, वो सारा कुछ उन लोगों को बताई और हम लोग को भी बोली कि तुम लोग लड़का लोग से कम नहीं है और तुम लोग जब फुटबॉल खेल रही है तो कुछ हम लोग भी सहायता करेंगे। तो जब लड़कियां जब बाहर जाके खेलने लगी तो हमें काफ़ी अच्छा लगा देखकर और हम लोग ये नो डाउट कि लड़कियां अब नेशनल भी खेलेंगी और हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है और ये देख के भी सुकून लग रहा है कि अब लड़कियां अपने एस्पिरेशन को पूरा कर पाएंगी। हमारे गांव की जो लड़कियां हैं वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से खेल रही है, बहुत ही आगे तक जा रही है। हम लोग का सपना है कि हम लोग खेल के नाम पूरा ऑल इंडिया में आए। टीम जिस हिसाब से अभी प्रैक्टिस हमको लगता है कि 3 साल में जो ग्राउंड में सिर्फ फुटबॉल मारने का नहीं आता था वो लड़की लोग आज हमको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट का जो चैंपियन टीम है उसके साथ टक्कर देने के लिए तैयार हो चुकी है।